हेलो गाइस, हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक के बारे में। इस कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंटेड है। सारी अमाउंट्स है वो लेक्स के अंदर बताई गई है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। ये इस क्वार्टर का रिजल्ट है, ये पिछले क्वार्टर का रिजल्ट है, ये पिछले साल सेम क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। कंपनी की इनकम की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन इनकम एंड अदर इनकम्स को मिलाकर कंपनी का टोटल इनकम इस क्वार्टर के अंदर 27,27,377 लाख रुपीज़ का कंपनी का टोटल इनकम है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले कंपनी की इनकम में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ जाती है। बाकी इस कंपनी के एक्सपेंस की बात करें तो इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड ऑपरेशनल एक्सपेंस को मिलाकर कंपनी का टोटल एक्सपेंस यहां पर 20,45,041 लाख रुपीज़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंस है। जिस प्रकार से कंपनी की इनकम में बढ़ोतरी हुई है, वैसे वैसे कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ जाते हैं। बाकी इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो टैक्स एंड एक्सपेंस आइटम काटने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर 2,78,231 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ जाती है। और कंपनी के ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ईपीएस यहाँ पर से अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बढ़ रहे हैं। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर 3.28 रुपीज़ से डायरेक्टली 4.07 रुपीज़ पर ईपीएस आ चुका है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल होता हुआ नजर आ जाता है। और कंपनी के एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए दोनों ही यहाँ पर धीरे धीरे करके कंपनी कम कर रही है। अभी भी एनपीएस कंपनी के बहुत ज़्यादा है, तो यार इसके ऊपर कंपनी को काम करने की ज़रूरत है। बाकी यार ओवरऑल यूनियन बैंक का जो रिजल्ट है वो मेरे हिसाब से यार एक अच्छा और मतलब स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बाकी यार अभी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखते हुए कंपनी काम करती है तो और भी अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकती है, ठीक है। बाकी इस कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। 3 रुपये पर शेयर का ये कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, जिसका रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट आने वाले एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कंपनी बता देगा। और इसका यहाँ पर से रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट आने वाले एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कंपनी बताएगी, ये तो सही चीज़ है। बाकी यार आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टेड होना तो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करना। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करने में ज़्यादा समझदारी है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।